It was all in vain. यह सब व्यर्थ था। लेखक ने मच्छर को मारने के लिए जो प्रयास किए थे वह सब व्यर्थ समझ में आ रहा था लेखक को। He played with me openly and ostentatiously. वह मेरे साथ खेल रहा था बिल्कुल खुले तौर पर, और यह जो खेल था वह दिखावा का खेल था। वो दिखावा वाला एक खेल खेल रहा था बिल्कुल खुले रूप से, वो मच्छर। लाइक ए स्केलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एंड इनफरिएटेड बोल। और यह मच्छर जो खेल खेल रहा था बिल्कुल एक चतुर मेटाडोर की तरह। मेटाडोर उसको कहते हैं जो फ्रांस में कुश्ती होती है, जिसमें सांड एक से और आदमी के बीच मुकाबला होता है, तो जो आदमी लड़ता है सांड से उसको मेटाडोर कहते हैं। तो सांड के आगे एक आदमी बहुत छोटी सी चीज़ होती है ताकत के दृष्टि से, इसलिए मच्छर भी उतनी फुर्ती के साथ एक सांड से। लेखक अपने लिए सांड शब्द यूज किया है कि मच्छर जो मेटाडोर की तरह था बिल्कुल चतुर, और लेखक क्योंकि उसके सामने एक विशालकाय प्राणी था तो अपने को सांड कह रहा है, तो वो एक चतुर सांड से लड़ने वाले लड़ाके की तरह एक क्रोधित और फाइनेंसिंग मतलब सामना करना, क्रोधित सांड का सामना कर रहा था। इन्फ्रेटेड बुल मतलब क्रोधित सांड। तो मच्छर एक चतुर मेटाडोर की तरह या सांड से लड़ने वाले लड़ाके की तरह क्रोधित सांड का सामना कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। निश्चित रूप से वह अपने आप में आनंद ले रहा था, मतलब उसके लिए यह एक आनंद की चीज़ थी। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। अब उसके लिए तो यह आनंद की बात थी, लेकिन वह मेरे आराम को विघ्नित कर दिया था। जो मैं ट्रेन में जब अकेला होने का एहसास हुआ और बिल्कुल आराम से मैं फैल के बैठ गया तो मेरे आराम को विघ्नित कर दिया था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लैम्बरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रीचर हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। वह मच्छर एक खेल चाहता था, और खेल भी कैसा चाहता था जिसमें एक विशाल काय भारी भरकम विंड मिल जैसा प्राणी उसका पीछा करे। लंबरिंग मतलब भारी भरकम, और विंड मिल जो पवन चक्की होती है, पवन चक्की की तरह विशाल काय प्राणी उस मच्छर का पीछा करे, ऐसा खेल वह चाहता था। और साथ ही साथ प्राणी का जो टेस्ट है वह भी काफ़ी अच्छा था। टेस्ट से मतलब है जो ब्लड वह मच्छर काटते हैं ब्लड के लिए, तो ब्लड का स्वाद भी उसको अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ तो यह जो विशालकाय प्राणी है वह बिल्कुल असहाय भी है और स्टूपिड भी है, मूर्ख भी है। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे प्राणी के साथ खेलना मच्छर को बहुत आनंददायी लग रहा था। आई बिगैन टू इंटर इंटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब मैं धीरे धीरे उस अपने सहयात्री के अंतरात्मा में उतरना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट। वह मेरे लिए ज़्यादा समय तक सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा नहीं रह गया था, मैं उससे कीड़े मकोड़े से ऊपर का समझने लगा था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी। वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था मेरे जेहन में। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, एक तेज तरार व्यक्ति के रूप में, जो मुझे चुनौती दे रहा था इस बात के लिए कि ये जो डब्बा है ट्रेन का उसमें उसका भी बराबर का अधिकार है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी फेडिंग।
मैंने महसूस किया कि जो मेरा दिल है, दिल की आवाज़ है, उसकी तरफ झुक रही है। वार्मिंग टुवर्ड्स मतलब उसके तरफ सकारात्मक सोच रखना शुरू कर दी है। हिम एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी फेडिंग, और उसके प्रति सकारात्मक सोच मेरे दिल में आना शुरू हुआ, और जो अपने प्रति श्रेष्ठता के भाव थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे, विलुप्त होने लगे। फेडिंग मतलब विलुप्त होना। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर हु वॉज सो मैनिफेस्टिंग माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। और मैं अपने आप को श्रेष्ठ महसूस भी कैसे कर सकता था उस प्राणी से जिसके साथ अस्पष्ट रूप से एक प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें मैं अभी व्यस्त था। जिस प्रतिस्पर्धा में उसमें वो मुझ पर हावी ही रहा, तो मैं फिर अपने आप को उससे श्रेष्ठ कैसे समझ सकता हूँ? व्हाई नॉट बी मैग्निफिसेंट अगेन। अब मैं इसके प्रति उदार क्यों न हो जाऊं? मैग्निमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। मैग्निटी मतलब उदारता, मर्सी मतलब दया, एट्रीब्यूट मतलब गुण। उदारता दया मानव का सबसे बेहतर गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। और इन चीज़ों का अभ्यास करके, इन ऊंची गुणों का अभ्यास करके मैं अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा सकता हूँ। मतलब मच्छर से जो मैं हार रहा था प्रतिस्पर्धा में, उसको मार नहीं पा रहा था, तो जो मेरी बेइज्जती हुई थी, उस बेइज्जती को मिटा के अपनी सम्मान को पुनः पा सकता हूँ अगर मैं दयालुता और उदारता का अभ्यास करता हूँ या दिखाता हूँ तो। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर। अभी तो मैं एक हास्यास्पद वस्तु बन के रह गया हूँ। आई ए थिंग फॉर लाफिंग एंड डिरीजन। अब एक ऐसी चीज़ बन गया हूँ जो हंसी का पात्र बन गया है। थिंग ऑफ लाफ्टर मतलब हंसी का पात्र, एंड डिरीजन चिढ़ाने वाली। मैं एक ऐसा चीज़ बन गया हूँ जिसे चिढ़ाया जाता है और हंसी का पात्र बन गया हूँ। बाई बींग मर्सीफुल आई कुड दी रिजर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर। और दयालु बनते हुए मैं अपने सम्मान को, अपनी माननीयता को दोबारा हासिल कर सकता हूँ। रिजल्ट मतलब पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, डिग्निटी मतलब माननीयता सम्मान। और अपने अपने उस कोने में जहाँ मैं बैठा था, पूरे सम्मान के साथ कोने में जाके बैठ सकता हूँ। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ द डेथ आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। मैंने अपनी सीट की तरफ लौटते हुए कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ मतलब अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मतलब जो मैंने तुमको मौत की सजा सुनाई थी उसको वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्राइव यू। मैं तुमको मार नहीं सकता लेकिन तुमको क्षमा कर सकता हूँ। रिप्रीव मतलब क्षमा करना। आई डू इट और मैं ऐसा करता हूँ, मतलब मैंने तुमको क्षमा कर दिया। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। उसके बाद मैंने अपने पेपर को उठाया और वह फिर आ गया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड। मैंने कहा मूर्ख सहयात्री, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट नो गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ कवर एंड यू आर ए कॉर्स। कुछ खास नहीं, मुझे बस इस पेपर के दोनों कवर को आपस में झटके से चिपका देना है और तुम एक डेड बॉडी बन जाओगे, एक लाश बन जाओगे।
neatly sandwiched between an article on peace trap and another on the modesty of Mr. Hedges. और बिल्कुल आसानी से सैंडविच बन जाएगा तुम्हारा उन दो आर्टिकल्स के बीच में जो दोनों कवर दोनों पेज पर अखबार के दोनों पेज पर है, और एक आर्टिकल है पीस ट्रैप और दूसरा है मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हजेज। तो ये दोनों आर्टिकल्स के बीच तुम्हारा सैंडविच बन जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुमको क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट। और मैं इस बात के लिए सेटिस्फाई करूंगा, तुमको संतुष्ट करूंगा कि यह जो विशाल का प्राणी है जो कह देता है उसका कुछ मतलब होता है, मतलब जो कहता है वो करता है। मोरेवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और मैं अब तुम्हें मारने की और इच्छा नहीं रखता। दो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील सेल आई से ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। दो नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, यह जानते हुए कि तुम बेहतर हो, और ऐसा मैंने महसूस किया है, जब मैंने महसूस किया कि तुम बेहतर हो, सहलाई से क्या मैं ऐसा कहूँगा ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, और इस कारण से मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे तुम्हारे प्रति थोड़ा आकर्षण हो गया है। अफेक्शन मतलब आकर्षण। आई Fancy that Saint Francis would have called you little brother. मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस तुमको लिटिल ब्रदर कहा करते थे। लिटिल ब्रदर छोटा भाई। सेंट फ्रांसिस एक संत थे जो तुमको छोटा भाई कहा करते थे। I cannot go for as that and Christian charity and civility। मैं जो ईसाइयों की उदारता और सभ्यता है उससे दूर नहीं जा सकता। ईसाई बहुत ही दयालु, उदार और सभ्य होते हैं, और उनकी सभ्यता से मैं दूर नहीं हो सकता, मतलब तुमको मार नहीं सकता। सभ्य होने के कारण मैं तुमको मार नहीं सकता। बट आई रिकोगनाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, पर मैं इस सबसे भी अधिक एक रिश्ता महसूस कर पा रहा हूँ तुमसे। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हमें इस ग्रीष्म की रात में, गर्मी की रात में सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, मैंने तुम्हारे अंदर दिलचस्पी लिया और तुमने मुझे इंजॉय किया, मतलब मैंने तुम्हारे अंदर दिलचस्पी दिखाई और तुमने मेरे साथ भी आनंद लिया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल। ऑब्लिगेशन मतलब कृपा, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक। अरे जो पारस्परिक कृपा है, कृपा का मतलब है मैंने तुम्हारे में दिलचस्पी लिया, तुमने मुझसे इंजॉय किया, आनंद लिया, तो दोनों एक दूसरे के काम आए। तो यह पारस्परिक कृपा जो थी वो बराबर की थी। यह जो पूरी घटना है वो पारस्परिक कृपा की घटना है और बिल्कुल ही आधारभूत घटना है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल, और जो आधारभूत तथ्य हैं जीवन के वो यही है कि हम दोनों ही मरणशील सहयात्री हैं। मतलब एक दिन तुमको भी मृत्यु को प्राप्त करना है और मुझे भी, यही सत्य है हम दोनों का। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, और हमारे जीवन में जो मिरेकल हैं, जो अद्भुत बातें होती हैं और जो सामान्य हैं, वो मतलब जो भी मिरेकल होता है, अद्भुत बातें होती हैं या जो रहस्यमयी बातें होती हैं हमारे जीवन में, वो सभी सामान्य ही हैं। मतलब हमारे जीवन में कब क्या घटित हो जाए सब कुछ सामान्य है, मतलब अकल्पनीय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी। आई सपोज यू डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, मैं कल्पना करता हूँ, मैं सोचता हूँ या मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में नहीं पता, कि तुम ट्रेन में बैठे तो हो पर कहाँ जाना है तुम्हें नहीं पता। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइंड, और मैं भी निश्चित रूप से निश्चित
मुझे उससे नहीं कह सकता है कि मैं तुमसे बेहतर हालत में हूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील अलाइव। जस्ट ए पेरिसन दैट आर एंड देम आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन परहैप्स। यहाँ पर लेखक ने कहा कि मुझे अपने बारे में भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता से मतलब है कि जीवन मुझे क्यों मिला है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मुझे भी नहीं पता। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील अलाइव। और वास्तव में तुमसे जो मुलाकात हुई, जो तुम सहयात्री बने, तो यह एक अच्छी डील थी, बहुत कुछ सोचने समझने के लिए मिला मुझे। जस्ट ए परिजन दैट आर एंड देन आर नॉट, ठीक प्रेतात्मा की तरह जो होती भी है और नहीं भी होती है। कमिंग आउट ऑफ नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन। उस प्रेतात्मा की तरह जो रात में होती भी है और नहीं भी होती है, और डब्बे से और रात में डब्बे में चढ़ती है, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, और लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाती है एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन, और रात में फिर चली जाती है। शायद मतलब जिस तरह से प्रेतात्मा होती भी हैं या नहीं भी होती हैं, तो कभी कभार आती हैं या जाती हैं डिब्बे में। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉयस एट द विंडो। तभी खिड़की में से एक आवाज़ आई कि रात समाप्त होने को है। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। ये एक फ्रेंडली पोर्टर मतलब फ्रेंडली मतलब मित्रवत, पोर्टर मतलब कुली, एक कुली था जो फ्रेंडली भाव से कह रहा था कि मेरा स्टेशन आ चुका है, मतलब रात जाने को है। जो बात खिड़की में से बोली गई उसका अर्थ यही था कि वह मुझे इशारा कर रहा था, हिंट दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। मैंने उसे धन्यवाद कहा और कहा कि मैं थोड़ा झपकी ले रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। और फिर मैंने अपने कैप को, अपने हैट को उठाया, अपने स्टिक को उठाया और उस गर्मी की रात में बाहर चला आया। एस आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प। और जब मैं दरवाजे से बाहर आके दरवाजा को बंद किया, डब्बे का दरवाजा मैंने बंद किया, तो मैंने देखा कि जो मेरा सहयात्री था वह उस लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। तो स्टूडेंट्स, चैनल को प्लीज